Hello and welcome to the BSc Part 2nd Chemistry students. I am Dr. Shailendra Singh Rathore, Associate Professor in Chemistry, Government Girls College, Sirohi, Rajasthan. BSc Part 2nd के Chemistry Paper 2nd Organic Chemistry में हम पिछले कई टर्न से Unit 1st पढ़ रहे हैं. Unit 1st में आज एक बहुत important नेम रिएक्शन है. बेसिकली ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है. रीअरेंजमेंट रिएक्शन नेम रिएक्शन के नाम से आती है, क्लेसन रीअरेंजमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के पर्पज से, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं. इस रिएक्शन में है क्या वो मैं आपको बोल के बताता हूं. इसमें एक एलिल एराइल ईथर होता है. व्हेन एलिल एराइल ईथर इज हीटेड अलोन और इन द प्रेजेंस ऑफ अ इनर सॉल्वेंट लाइक डाइफेनाइल ईथर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, माइग्रेशन ऑफ एलाई टू ऑर्थो पोजिशन ऑफ एरोमेटिक रिंग टेक्स प्लेस. इसमें एक और बात है, समझाता हूं मैं आपको भी. इफ बोथ द ऑर्थो पोजिशन आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, देन ये जो एलाइल ग्रुप होता है माइग्रेट टू द पैरा पोजिशन. दिस इज द रिजल्ट वी गेट एलाइल फिनॉल और इस रिएक्शन का नाम है क्लेसन रीअरेंजमेंट. समझाते हैं आपको इस रिएक्शन की क्या कहानी है, उसको समझाते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दो ग्रुप होते हैं. ये एक ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH. इस ग्रुप का बच्चों नाम है विनाइल. और एक और ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 दिस. ये ग्रुप है, दिस इज नोन एज एलाइल. ये एलाइल ग्रुप है. अब अपना नाम है देखो, सबसे ऊपर चलो वापस अपन बात करते हैं. दिस इज एराइल एलाइल एराइल ईथर. तो एक मैं ये बताता हूं, ये एराइल है. दिस इज एराइल, ये एराइल बेंजीन एरोमेटिक रिंग को एराइल होता है. ये रहा एलाइल, ये एलाइल है, ये अपन ने बात किया. ये एलाइल है, यही है, ये एलाइल है. और एक ईथर बनाया इसको, इन दोनों को ज्वाइंट करके हमने एक ईथर बनाया. चलो मैं एक अलग रिंग से इसको ईथर से जोड़ता हूं. एक ऑक्सीजन बीच में है और ईथर से जोड़ दिया. तो ये पार्ट तो कहलाता है एराइल, एरोमेटिक का पार्ट है. इट इज नोन एज एराइल. ये पार्ट कहलाता है, इट इज दिस इज एलाइल, एलाइल. और बीच में आप देखो, इट इज दिस इज ईथर, ईथर. सो इसका पूरा नाम हो गया, ये लिखा एराइल एलाइल ईथर. अब आगे बढ़ते हैं, वापस समझाते हैं बात को. व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट, कोई भी एक इनर्ट सॉल्वेंट 200 डिग्री होता है, तो एलाइल माइग्रेशन ऑफ एलाइल ग्रुप, दिस माइग्रेशन ऑफ एलाइल ग्रुप टू ऑर्थो पोजिशन. ये जो एलाइल ग्रुप है, ये देखो गौर से, ये एलाइल ग्रुप है, ये इसके ऑर्थो पोजिशन पे माइग्रेट कर गया. ये ऑर्थो पोजिशन, दिस इज ऑर्थो पोजिशन, दिस इज ऑर्थो पोजिशन. तो ये ऑर्थो पोजिशन के ऊपर माइग्रेट कर गया और क्या बना, बना ये देखो क्या बना लास्ट में. ये हो गया, ये फिनॉल बन गया ऑर्थो एलिल फिनॉल. दिस इज एलिल ग्रुप, दिस इज एलिल ग्रुप, दिस इज एलिल ग्रुप और फिनॉल के लगा हुआ, तो एलिल फिनॉल बन गया. और यूं कह सकते हैं ऑर्थो एलिल फिनॉल बन गया, ऑर्थो एलिल फिनॉल. एक और बात बताऊं मैं आपको कि इसी रिएक्शन के अंदर एक संशोधन है. क्या संशोधन है वो मैं आपको बताता हूं. ये आगे लिखता है कि अगर दोनों ऑर्थो पोजिशन ऑक्यूपाइड हो तो ये माइग्रेशन पैरा पे होता है. वो कैसे, वो मैं आपको बना के बताता हूं कि वो कैसे पैरा पे होता है. ये भी एक बना के बताते हैं. सपोज बात करो, आगे रिएक्शन आएगी, वापस बात करता हूं कि सपोज ये बेंजीन है, ये ईथर है, ये CH, CH डबल बॉन्ड CH2 है, CH2. अगर ये दोनों पोजिशन ऑक्यूपाइड हो, सपोज ये एल्किल ग्रुप लगे हो, तो फिर जो ये एलिल ग्रुप होता है वो ऑर्थो के ऊपर माइग्रेट नहीं करकर वो इस पैरा के ऊपर माइग्रेट करता है. और पैरा पे माइग्रेट करेगा ना तो लास्ट में प्रोडक्ट यहां पर आ जाएगा, ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और ये वापस फिनॉल बन जाएगा और इंजीनियरिंग तो बनेगी बनेगी और ऑर्थो पे आर ग्रुप है. ये कहने का ये मतलब है कि अगर दोनों ऑर्थो पोजिशन ऑक्यूपाइड है तो एलिल ग्रुप पैरा पे माइग्रेट करता है. लेकिन इन दोनों में फर्क है. अगर ऑर्थो पे माइग्रेट करता है तो इन्वर्जन होता है, पैरा पे माइग्रेट करता है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है,
इसको हम C14 लेबलिंग से भी बताएंगे। वापस अपन पीछे चलते हैं, मैं आपको फिर से इस बात को समझा देता हूँ, इस रिएक्शन को समझा देता हूँ। देखो वापस आते हैं बात कि फिनॉल के ऊपर एक एरिल है, एक एलिल है और ईथर है। इसको गर्म किया हमने, क्लेजन रिएक्शन होती है, 3-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट का नाम है इसको। आगे ये फोटोकेमिस्ट्री के अंदर एक तरह की सिग्मा टॉपिक रिएक्शन में होती है, उसका रीअरेंजमेंट है। और ये ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे चला गया और अपन ऑर्थो फिनाइल ईथर, ऑर्थो एलाइल ईथर बन गया। अब अपन इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरह से मैकेनिज्म को समझाया गया है। ये देखो एक मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में ये देखो वापस वही बात आती है, एक एरोमेटिक कंपाउंड का है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, वही एक तरफ एलिल ग्रुप लगा है, एक तरफ एराइल ग्रुप लगा है और बीच में ईथर है। 180 या 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको गर्म किया तो ये जो ये नंबरिंग लगी है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनने की प्रक्रिया होगी। और ये 6 पोजीशन यहाँ लग गई ऑर्थो पोजीशन से, देखो 6-6 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन से लगी और ये यहाँ से ब्रेक हो गया। मतलब ये जो एलिल ग्रुप था वो उल्टा हो गया, इन्वर्जन ऑफ एलिल ग्रुप। इसमें कौन कौन से बॉन्ड बने और कौन कौन से बॉन्ड टूट टूटे बहुत अच्छी तरह से लिखा है। बॉन्ड फॉर्म कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में बॉन्ड बना, देखो यहाँ यहाँ पर कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड टूटा? कार्बन 1 और 2 के बीच का बॉन्ड टूटा। यस, कार्बन 1 और 2 के बीच का ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। कार्बन 4 और 5 की बात करें, कार्बन 4 और 5 के बीच में एक पाई बॉन्ड क्रिएट हुआ और 5 और 6 के बीच का बॉन्ड टूट गया। 5 और 6 के बीच का ये बॉन्ड खत्म हो गया। ये क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें इस तरह के पैटर्न होता है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ये रीअरेंजमेंट हो गया। अब आप सेकेंड स्टेप में आ जाओ, ये तो फर्स्ट स्टेप था, स्टेप फर्स्ट था, इट इज स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, नाउ इट इज स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में ये जो ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसका माइग्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये यहां से डबल बॉन्ड आया और हाइड्रोजन जाके फिनॉल बन गया, ये उसके ऊपर जाके फिनॉल बन गया। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बना जो ऑर्थो एलिल फिनॉल है, इट इज ऑर्थो एलिल फिनॉल, ऑर्थो एलिल फिनॉल बना, फिनॉल प्रोडक्ट बन गया। थोड़ा और आगे चलते हैं, बात को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं इन चीजों को कैसे हुआ। ये देखो एक मैंने अपनी हैंड राइटिंग में बनाया, वापस वही ऑर्थो एलिल फिनॉल ईथर बनाया। देखो ये पोजिशन वही, 1 नंबर इसको 2 नंबर कहते हैं, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। कुछ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे कि कहां से कैसे सिग्मा बॉन्ड टूटते और कौन कौन से बनते हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पर पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, ये सारी चीजें इसके अंदर, इस पूरे के अंदर सारी चीजें दिख रही है कि हम कौन कौन से बॉन्ड टूटे और कौन कौन से बॉन्ड बने, इसी बात को हम यहाँ समझा रहे हैं। पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फाइनली देखो ये एलिल ग्रुप यहाँ ऑर्थो पे लग गया और ये इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट। यहाँ पर ये हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर और देखो ये ऑर्थो एलिल फिनॉल बन गया। ये ऑर्थो पोजिशन पे माइग्रेशन है। अगली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझाता हूं अगली बात को, कि व्हेन बोथ ऑर्थो पोजिशन आर ऑक्यूपाइड, ये यहां पर आओ देखो ऑर्थो पोजीशन पे दोनों पे CH3 लगा ऑल ऑक्यूपाइड है, देन एलाइल ग्रुप कैन नॉट माइग्रेट टू द ऑर्थो पोजीशन, इट माइग्रेट्स एट द पैरा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन पे जाता है, इट इज अ पैरा रीअरेंजमेंट, ये पैरा रीअरेंजमेंट कहलाता है। लेकिन एक बात बताऊं कि ये जो एलाइल ग्रुप है ये पैरा पोजीशन पे जाता है लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता, ये पहले ऑर्थो पे जाता है और उसके बाद पैरा पे जाता है। मतलब एक तरह से यूं करें कि डबल जंप लगाता है, देयर इज अ 2 टाइम्स इन्वर्जन प्रोसेस टेक्स प्लेस, वन इन्वर्जन इज फॉलोड बाय अनोदर एंड ओवरऑल देर इज नो इन्वर्जन। दो देर इज नो इन्वर्जन का मतलब देर इज अ रिटेंशन, नो इन्वर्जन को कहते हैं इट इज अ रिटेंशन, इट इज अ रिटेंशन प्रोसेस, रिटेंशन, रिटेंशन मतलब दो बार इन्वर्जन होने से वी गेट अ रिटेंशन ऑफ कॉन्जिक्यूल्स। देयरफॉर हमने क्या किया कि इस बात को समझने के लिए एक रेडियो एक्टिव कार्बन 14 लिया, हमने एक रेडियो एक्टिव कार्बन 14 लेकर इस बात को समझाने की कोशिश की, उसको लेबल कर दिया और द सेम रिएक्शन प्रोसीड की जिसमें ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ये देखो ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, एलिल ग्रुप है, ये कार्बन जो स्टार वाला कार्बन है, कार्बन 14 कार्बन। अब ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड थी तो ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है, इट इज स्टेप फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट के अंदर रीअरेंजमेंट हुआ और ये जो ग्रुप था वो उल्टा आगे ऑर्थो पे लग गया। उल्टा होने का मतलब ये है कि जो कार्बन ऑक्सीजन से लगा था वो टर्मिनल कार्बन बन गया और जो टर्मिनल कार्बन 14 था रेडियो एक्टिव कार्बन था वो बेंजीन रिंग के लग गया। नाउ सिंस ऑर्थो पोजिशन आर ऑक्यूपाइड हाइड्रोजन माइग्रेशन कैन नॉट टेक प्लेस। जो पहले हाइड्रोजन माइग्रेशन हो रहा था वो यहां से नहीं होता क्योंकि अब इस पोजिशन पे ऑर्थो पोजिशन पर हाइड्रोजन नहीं है। अगली बात करते हैं, जब हाइड्रोजन माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो ये जो ऑर्थो पोजिशन पे जो रीअरेंजमेंट हुआ था ये अब वापस पैरा पोजिशन पे रीअरेंजमेंट होता है। पैरा पोजिशन पे कैसे होता है ये देखो, वापस ये CH2 जो टर्मिनल था वो पैरा पे लगता है और ये ऑर्थो से वापस टूटता है और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होते हैं। ये अगेन 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहां बनती है जैसी ऊपर बनी थी और ये पैरा के ऊपर। तो जब पैरा पे हो गया तो ये CH2 वापस टर्मिनल के ऊपर आ गया। फिर हाइड्रोजन माइग्रेशन होता है, ये हाइड्रोजन माइग्रेशन, ये हाइड्रोजन यहां से जाएगी यहां पर, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये फाइनल 4LL269 मिथाइल फिनॉल बन गया। अब आप अगर इनिशियल रिएक्टेंट से अपन अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्ट का कंपैरिजन करें, फाइनल प्रोडक्ट का कंपैरिजन करें तो आप देखो ये कार्बन 14 जो जो टर्मिनल पे लगा था वो वापस कार्बन 14 टर्मिनल के ऊपर आ गया। देयरफॉर रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड, प्रोडक्ट वो का वो प्राप्त होता है। लेकिन अगर ये माइग्रेशन ऑर्थो पे होता है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस, मतलब ये LL ग्रुप उल्टा लगता है। और दो बार जब ये रीअरेंजमेंट हो गया तो दो बार पलट गया तो ये रिटेंशन हो गया, मतलब वो का वो प्रोडक्ट अपने को प्राप्त हुआ। ये क्लेजन रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ये मैंने यहां बताया था। देखो यहां पर अगर एक टाइम वन टाइम माइग्रेशन होता है तो इन्वर्जन होता है क्योंकि ये जो टर्मिनल कार्बन 6 था वो कार्बन 6 यहां लग गया, ये कार्बन 6 है, ये कार्बन 5 है, ये कार्बन 4 है, ये 3 था, ये 2 था और ये 1 था, 1 2 3, तो ये 6 1 के 6 लग गया इस तरह से। लेकिन अगर ये दो बार होता है तो ये 6 वापस उल्टा हो जाकर वापस सेम प्रोडक्ट प्राप्त होता है। दिस इज ऑल ऑफ अबाउट क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये फिनॉल की नेम रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैंने आपको शुरू से अंत तक बताई। आप इसकी डेफिनेशन, इसकी रिएक्शंस और इसके मैकेनिज्म को विद रेडियोएक्टिव कार्बन 14 लेबलिंग से ये सारी बातें मैंने आपको समझाई है। ये सारा नोट्स मैं आपको PPT के फॉर्म में भी शेयर करूंगा और आप बुक से हिमांशु पब्लिकेशन की जो बुक है उस बुक से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है उससे आप इसके नोट्स बनावें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में बतावें, हम इसका सॉल्व करेंगे। लेकिन आप इस रिएक्शन को जरूर समझें, ये आपके एग्जाम पर्पस के हिसाब से बहुत काम की रिएक्शन है। कुछ ही दिनों में हम कुछ इसके टेस्ट भी लेने की कोशिश करेंगे, कुछ आपको इसके असाइनमेंट देंगे जिसका सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।